हिना की बात करें, हिना मतलब आपकी काफ़ी अच्छी दोस्त बनी, बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी आए, फिर अभी आप लोग हाल ही में अगेंस्ट भी हो गए थे एक दूसरे के, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो वो मतलब चेंज जो आया सिनेरियो कैसे? आई थिंक थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और शुरुआत से ही हम एक साथ चल रहे थे गेम में और मैं प्रियांक हिना एक ही तरीके से टास्क करते थे और एक ही साथ चलते थे। बट देन मैंने सोचा 14th वीक है, सेमीफिनाले का टास्क है, तो क्यों ना अलग थोड़ा इंडिविजुअली खेला जाए और देखा जाए क्या होता। तो वही शायद करते करते कहीं ना कहीं एक दूसरे को हमने हर्ट कर लिया, तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आपको काफ़ी लोगों ने मतलब सॉरी उन्हें से माफ़ी मांगने के लिए अपोलोजाइज़ करने के लिए भी कहा था, बट आपने नहीं किया, आपका एक अपना स्टैंड था। आपको लगता है कि मतलब फ्रेंडशिप के बीच में कहीं ना कहीं ईगो आ गया, या फिर मतलब क्या चीज़ थी कि आप बाहर आए हैं, तो मतलब डू यू रिग्रेट दोज थिंग्स या ठीक है आप अपने स्टैंड? नहीं, मैं जो मैंने कहा था मैं वही हूँ। और क्या होता है कि दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं, अगर आप किसी को अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं तो मैं उस तरीके का इंसान हूँ, अगर मुझसे कोई अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज़ करेगा तो अगर मेरी गलती नहीं भी होगी तो भी मैं उसको अपोलोजाइज़ कर दूँगा। बट देन वही है, लोग जैसे सपोज़ मैं भी फॉर एग्ज़ाम्पल और या फिर हिना भी, हम दोनों ही नहीं चाहते थे कि हम एक दूसरे को अपोलोजाइज़ करें, सॉर्ट आउट करना चाहते थे बट अपोलोजाइज़ नहीं करना चाहते थे। सो आई थिंक वो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, बट अभी सब ठीक है, सब ठीक हो गया।